नमस्कार, टीवी 9 बुलेटिन साथे हूं छु कोमल। नजर करिए उत्तर गुजरातनी टॉप 9 खबरों पर। राज्यमां आगामी 5 दिवस सुधी वरसादी माहौल यथावत रहेशे। दक्षिण गुजरातनी साथे सौराष्ट्र अने कच्छना अमुक विस्तारमां भारेथी अति भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। दक्षिण गुजरातमां तापी अने सूरतमां भारे वरसाद पड़ी शके छे। सौराष्ट्रमां भावनगर अमरेलीमां पण भारे वरसादनी शक्यता व्यक्त कराई छे। साथे ज राज्यमां छूटो छवायो अने सामान्यथी मध्यम वरसादनी पण शक्यता व्यक्त कराई छे। तो राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,00,000 ने पार थी चुकी है। छेल्ला 24 कलाक में कोरोना 1,344 केस सामे आव्या छे अने 16 लोगों जीव गुमाव्यो छे, ज्यारे के 1,240 दर्दियों डिस्चार्ज थया छे। कुल मृत्युआंक 3,183 पर पहुंच्यो। राज्य में अत्यार सुधी में 91,470 दर्दियों सारवार बाद स्वस्थ थया छे, जेने लईने रिकवरी रेट 82.43% पर पहुंच्यो। कोविड 19 की परिस्थिति में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग ने पहुंची वड़वा जाहिरनामू बहार पाड़वामां आव्युं, जेमां ऑक्सीजन उत्पादकों मात्र 50 उत्पादन औद्योगिक वपराश माटे आपी शकशे। उत्पादकों मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन ने प्राथमिकता आपवानी रहेशे। उत्पादकों महत्तम क्षमताए सतत ऑक्सीजन उत्पादन करवानुं रहेशे। तो जाहिरनामानो भंग करवामां आवशे तो 6 महीनानी सजा अने दंडनी जोगवाई। जीपीएससी उम्मीदवारों माटे एक मोटा राहतरूप समाचार सामे आव्या छे कि जे उम्मीदवारों जीपीएससी की परीक्षा आपी छे अने परिणाम बाकी छे तेवा जीपीएससी तमाम परीक्षाना परिणाम सप्टेम्बर महीनाना अंत सुधी में जाहिर करी देवाशे। जीपीएससी चेरमेन दिनेश दासाए ट्वीट करीने जानकारी आपी। महत्वनुं छे कि अत्यार सुधी में जीपीएससी 103 परीक्षा एवी छे कि जेना परिणाम आवाना बाकी छे। गुजरात 85,000 वकीलों माटे सारा समाचार। गुजरात वकीलों आत्मनिर्भर योजना हेठ 2,50,000 रूपयानी लोन मेळवी शकशे। लॉकडाउन ने पगले राज्यना अनेक नाना मोटा व्यवसाय साथे जोड़ायेला लोकोना उद्योग धंधाओ ठप थया हता। तेवी ज रीते राज्यनी न्यायपालिकामां व्यवसायमां काम करता 85,000 वकीलोनी प्रेक्टिस बंद थई गई हती। तो कोरोना महामारी वच्चे राज्य में स्थानिक स्वराज की चूंटणी योजवा माटे राज्य चूंटणी पंचे तैयारी शुरू करी। 6 मनपा 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायतों की निर्धारित समय मर्यादा में पूर्ण थता हवे चूंटणी आयोजन करवामां आवशे। महत्वपूर्ण छे कि 6 मनपा में 5 मनपा सीमांकन में फेरफार करायो छे, ज्यारे के 31 में 16 जिला पंचायत में हद और बैठक में फेरफार करवामां आवशे। 29 तालुका पंचायत की हद और बैठक में फेरफार करवामां आवशे। जो कि चूंटणी अंगे आगामी 22 तारीख सुधी तमाम राजकीय पक्षों साथे वीडियो कॉन्फरेंस द्वारा चर्चा करवामां आवशे। बनासकांठा जिला पंचायत में फरी एक बार कांग्रेसे बाजी मारी है और सत्ता मेळवामां सफल रह्यो छे। प्रमुख पदे कांग्रेसना वालकी पारधी बिनहरीफ चूंटाया छे, ज्यारे उपप्रमुख पदे भुक्ताजी मकवाणानो विजय थयो छे। तो चूंटणी में प्रमुख पद माटे अनुसूचित जनजाति महिलानी बैठक होवाथी कांग्रेसमांथी फक्त वालकी पारधीए उम्मीदवारी नोंधावी हती। बनासकांठानी डीसाई पीएमसीनी चूंटणी रद्द थता जिल्लाना राजकारणमां गरमावो आव्यो। भाजपना ज बे दिग्गज नेताओ आमने सामने। डीसाई पीएमसीना चेरमेन माउनजी देसाई भाजपना दिग्गज नेता शंकर चौधरी सामे मोर्चो खोल्यो छे अने शंकर चौधरी पर पक्ष विरोधी प्रवृत्त करवानो गंभीर आक्षेप लगाव्यो छे। माउजी देसाए आक्षेप कर्यो कि शंकर चौधरीए सहकारी संस्थाओं ने नुकसान पहुंचाड्यु छे अने शंकर चौधरीए सहकारी संस्थाओं में कोमवाद अने जूथवाद फैलाव्यो छे। बनासकांठाना आर्थिक पाटनगर डीसाना मध्येथी पसार थता हाईवे पर 250 करोड़ना खर्चे 4 किलोमीटर लांबो ओवरब्रिज बनी रह्यो छे, परंतु ओवरब्रिजनुं कामकाज लोको माटे जोखमी बनी रह्यु छे। ओवरब्रिजना कॉन्ट्राक्टरे न तो वाहन चालकों माटे सर्विस रोड बनाव्यो छे, न तो कोई सुरक्षानी तकेदारी राखी छे। ओवरब्रिजनी कामगीरी पूरजोशमां चाली रही छे, तेम छतां तेनी नीचे चालता वाहनोने अकस्मात न थाय ते माटे कोई ज तकेदारी नथी लेवामां आवती।